भी मेरा सादर प्रणाम। और महर्षि परिवार के हमारे प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय गोसाई जी को भी मेरा सादर प्रणाम, समस्त शिक्षक गणों को भी सादर प्रणाम, और यहाँ पर मौजूद सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता चमोला है और मैं इसी विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा हूँ। अपना परिचय देने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज हम जो महर्षि महेश योगी जी के आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए पहले तो महर्षि महेश योगी जी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं सादर नमन। और उन्हीं के विचारों से आज हमारा स्कूल जो है चल रहा है और कहीं ना कहीं इस स्कूल से हमें बहुत कुछ मिला है। मैं अभी एक विधि की छात्रा हूँ, यानी कि मैं अभी वकालत की पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और यहाँ पे बहुत से परिचित चेहरे मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, आदरणीय कोटनाला जी और मैडम आप भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे भी यहाँ से कोई छोटी सी भी इमेज मिली है, जस्ट बिकॉज कि मैंने महर्षि विद्या मंदिर से शिक्षा ली है। अब मैं अपनी बात करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि 2017 से 18 के सन में मैंने यहाँ से 12वीं पास की है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रुद्राक्ष का पेड़ भी लगा हुआ है, वो भी मैंने स्कूल से पास आउट करने के बाद एक यादगार तौर पे लगाया था। यहाँ पर मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य भी यही है कि अगर आप बच्चे मुझे सुन रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, पहले मुझे सुन लीजिए। आप ही की दीदी हूँ, आप ही की सीनियर हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल से पास आउट होने के बाद कभी भी अपने इस स्कूल को मत भूलिएगा, क्योंकि इस स्कूल का बहुत योगदान है, यहाँ के टीचर्स का बहुत योगदान है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में तो भी आप इस स्कूल को कभी नहीं भूलेगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इस स्कूल के प्रति हो। जैसे कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे द्वारा और मेरे जो मार्गदर्शक है मेरे मौसा जी, क्योंकि लाइफ में ना हमें हमेशा अपना एक मार्गदर्शक रखना चाहिए, और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना मार्गदर्शक एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके दोस्त हो या परिजन हो, जो आपके लिए आपके जीवन के लिए सही सिद्ध हो। तो मेरे लिए मेरे मार्गदर्शक है आदरणीय श्री मनोज रावत जी, वो आज आ नहीं पाए किसी कारणवश, नहीं तो अगर वो भी यहाँ आते तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि आज मेरे टीचर्स आदरणीय पंकज सर, निर्मला मैम, लक्ष्मी मैम के द्वारा मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, एज अ गेस्ट मैं यहाँ बैठी हूँ प्रिंसिपल सर के पीछे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि अपने इसी स्कूल से जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है वहाँ से मैं पास आउट होकर आज आप लोगों के बीच इस मंच पे बोल रही हूँ। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैं आपको बता रही थी कि 2017 में मैं 12वीं कर रही थी यहाँ से, उस समय कहीं ना कहीं हमारे स्कूल की थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन थी, तो मेरा खुद का एक प्रयास था कि कैसे अपने स्कूल को हाईलाइट करें। तो उस समय हमारी प्रधानाचार्य महोदय अर्चना शर्मा जी थी और हमारे टीचर्स थे जैसे पंकज सर थे, इंदु मैम, पंकज सर तो अभी भी है, इंदु मैम हमारी अभी यहाँ नहीं है, प्रशांत सर, लक्ष्मी मैम, निर्मला मैम, बबीता मैम और नीलम मैम, सभी टीचर जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आशीष सर सॉरी, अगर जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ तो क्षमा कीजिएगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन इन सभी टीचर्स का मेरे जितने भी कार्यक्रम मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करे उसमें पूरा योगदान रहा। तो सबसे पहला मेरा कार्यक्रम था कि पत्रकारों का सम्मान समारोह, उस सम्मान समारोह का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि जैसे हमारे लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ कही जाने वाली मीडिया है, तो अगर हम अपने मीडिया के पत्रकार बंधुओं का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज हमारे स्कूल की तरफ से भी जाएगा कि जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उनके काम को हम लोग सराहना करते हैं, और प्लस पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे स्कूल को भी एक विजिबिलिटी भी मिलेगी। इसके अलावा मैंने एक डेंटल कैंप भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था जब अर्चना शर्मा मैम थी, और मेरे साथ मेरे जितने भी सहपाठी थे जैसे कि मेरे बहुत से दोस्त थे, सुशांत मंगल, हिमांशु, नरे, सेजल, अमरनाथ, दीक्षा, नेहा और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे साथ था, मैं आज भी उन्हें नहीं भूली हूँ। और उस डेंटल कैंप में बहुत से अभिभावक आए थे जिन्होंने इस शिविर का लाभ उठाया था। इसके अलावा ब्लड डोनेशन में भी हम लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और एक कैंप हमने रक्तदान का किया था जिसमें खुद मेरे महर्षि विद्या मंदिर के सभी टीचर्स थे और उसमें पंकज सर खास तौर पर उन्होंने ब्लड डोनेट किया था, वो मेरे लिए तो एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे उस समय कि वाकई में पंकज सर ने हमें इंस्पायर किया, और मैंने भी पहली बार 12वीं कक्षा में रक्तदान किया और मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं हमारा रक्त किसी जरूरतमंद के काम आएगा, और तो कोशिश भी करते समाज में जिसका कोई नहीं है उसमें हम खड़े, कभी भी हो तो हम लोग सब मिलकर
की भूमिका निभाते हैं और पंकज सर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं जेन्युइनली इस मंच के माध्यम से सर को बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच टू बी द इंस्पिरेशन फॉर मी। इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस मंच से मेरी बहुत सी अटैचमेंट है। सबसे खास बात मैं इस पोडियम पे बोल लेती अभी, लेकिन आप लोगों को दिखती नहीं, पर इस पोडियम ने, इस महर्षि विद्या मंदिर ने मुझे एक पहचान दिलाई। इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ महर्षि विद्या मंदिर में को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। इसका एक बेस्ट उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आप मंच पे देखिए कितनी क्रिएटिविटी की गई है। अगर किसी और स्कूल में हम देखते हैं मंच आयोजित होते हैं तो उसमें पैसे का बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ सब कुछ बच्चों के वर्क से यूज किया गया है, कि बच्चों की क्रिएटिविटी है जो इस मंच को इतना सुंदर बना रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं आपके ऊपर भी ये लगे कागज के फ्लावर्स बना के रखे हुए, तो इससे पता चलता है कि हमारे स्कूल में बहुत से टैलेंटेड बच्चे छिपे हुए हैं और उनका टैलेंट भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द बाहर आए, दुनिया के सामने आए। पहले मुझे भी बहुत झिझक होती थी बोलने में, सच कहूँ तो आज मुझे कोई झिझक नहीं है किसी के सामने भी बोलने में, ये माइक पकड़ने में, स्टेज पे आने में या पोडियम के पास खड़े होने में। इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो महर्षि विद्या मंदिर को ही दूंगी। कक्षा 10वीं में मैं थी जब मुझे पहली बार डिबेट कॉम्पिटिशन में कोटद्वार में रीजनल मीट में लिया था। सर मैं आपको बताना चाहूंगी उस समय हमारे प्रिंसिपल सर थे त्यागी सर और प्रिया भारद्वाज मैम थी हमारी, निर्मला मैम और हिंजा मैम, इन लोगों ने मेरे को तैयार किया था उस समय कि बेटा आप बोलो, आपके अंदर एक क्षमता है कि आप सब लोगों के सामने बोल सकते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस को आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजिशन ग्रैंड की थी। और उसके बाद महर्षि विद्या मंदिर की तरफ से मुझे चेन्नई भेजा गया, उस जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट को चेन्नई जैसा इतना बड़ा स्टेट देखने को मिला, तो वो जस्ट बिकॉज महर्षि विद्या मंदिर। इसके अलावा सेकेंड रीजनल मीट अलीगढ़ में हुई थी, उसमें भी मुझे फर्स्ट पोजिशन मिली थी और फिर उस जैसे मिडिल क्लास लड़की को अब महाराष्ट्र देखने का मौका मिला था। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी महर्षि विद्या मंदिर को कि पढ़ाई के अलावा ये परिवार आपको आपके क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने में बहुत प्रोत्साहन करता है। अगर मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा बात को सुन लीजिए, आप लोग आगे चलकर कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए तो अपने माता, अपने टीचर्स और अपने स्कूल का योगदान कभी मत भूलिएगा। और इस मंच के माध्यम से आज मैं बहुत गर्वांगी पता है क्यों महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी आज यहाँ पे मौजूद है और पहली बार वो मुझे स्टेज पे इस महर्षि विद्या मंदिर के देख रही है। मैं चाहूंगी मम्मी आप प्लीज एक मिनट के लिए स्टेज पर आए, क्योंकि आपके सामने खड़े होकर मैं अपने संबोधन का समापन करना चाहूंगी और आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा इस चीज को। तो मम्मी प्लीज एक मिनट के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो ये है मेरी मम्मी और मैं सच में अगर आज कॉन्फिडेंस लेवल आया है तो जस्ट बिकॉज अपनी माँ की वजह से, क्योंकि ये भी अपने टाइम पे डिबेट बोलते आए हैं और इनका सपना था एक बहुत बड़ा वकील बनने का, लेकिन हालातों के कारण ये तो नहीं बन पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ मम्मी कि मैं एक बहुत बड़ी अधिवक्ता बनकर इस समाज के लिए काम करूंगी, जैसे मेरे महर्षि विद्या मंदिर में हमेशा से महर्षि महेश योगी जी के पद चिन्हों पर चलना हमें सिखाया है और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना सिखाया है। और एक बात और कहना चाहूंगी, मेरे लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट है क्योंकि इसी साल मैंने अपने फादर को खोया है, तो मैं नहीं चाहती कि अब मैं कोई भी मूवमेंट अपना अपने आप जीऊं, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं हर मूवमेंट को अपनी मम्मी के साथ जीऊंगी। तो प्लीज आप लोग इसे ऑकवर्ड मत समझिएगा, सुनहरा बनाऊंगी अपनी माँ के आशीर्वाद से और मेरे मार्गदर्शक है जो मनोज रावत जी, मेरे मौसा जी, उनके आशीर्वाद से। मैं एक बार समस्त महर्षि परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगी, आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और साथ हमेशा मुझ पर बना रहे। मैं वादा करती हूँ यहाँ से कि मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, जो कार्य मुझसे बन सकेगा मैं वो करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय महर्षि। थैंक यू हर्षिता, हम सबका साथ आपके साथ है।